अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना उसामा और आप देख रहे हैं आज टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना व्हाट्सएप पीसी पर किस तरह से चला सकते हैं। आइए देखते हैं। सिंपली अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे और व्हाट्सएप की वेबसाइट पे जाएंगे, whatsapp.com। ये देखिए, ये हम साइट पर हैं, ये आप देख सकते हैं साइट ओपन हुई हुई है। यहाँ पर आपको इसके चार ऑप्शन मिलेंगे, एंड्रॉयड, आईफोन, मैक और विंडोज़ पीसी और विंडोज़ फ़ोन। हमें विंडो पीसी के लिए चाहिए तो हम विंडो पीसी पे ओके करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये डाउनलोड व्हाट्सएप फॉर फ़ोन आ रहा है, यहाँ पे मैक और विंडोज़ पीसी आ रहा है। हम विंडोज़ पीसी में देख लीजिए, डाउनलोड लिंक मिल रहा है हमें, ओके करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। मैंने किया हुआ है, इंस्टॉल भी कर लिया, आप कर लीजिएगा। आइए चेक करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। हम अपना जो हमने पीसी में व्हाट्सएप डाला है उसको ओपन करेंगे। वो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका लेआउट देख सकते हैं आप, यहाँ पे किस तरह का है ये व्हाट्सएप। यहाँ पर एक स्कैन कोड आपको नज़र आ रहा होगा, इस कोड को हम अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे। ये जो आपको कोड अभी यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको हम अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो यहाँ पर हमारा खुल जाएगा। हम अपना मोबाइल ओपन करेंगे, उसमें अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे हम। सिंपली हमें स्कैन करना है और ज़्यादा कोई हमारा काम नहीं है और आराम से हम अपना व्हाट्सएप चला सकते हैं। ये देखिए, हमारा व्हाट्सएप ओपन करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट्सएप वेब, इसको ओपन करेंगे तो हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा। देखिए, हमारा कैमरा ओपन हो गया और इसने स्कैन कर लिया है, फ़ौरन ही स्कैन कर लिया, बहुत ही क्विकली। और ये देखिए, यहाँ पर लोडिंग शुरू हो गई है। और ये हमारा व्हाट्सएप पीसी पर ऑन हो गया है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप पीसी पर ऑन हो चुका है। देखिए, यही व्हाट्सएप मेरे पास मोबाइल में भी है। इसी तरह से हम अपना व्हाट्सएप पीसी में ऑन कर सकते हैं। ये देखिए, जो चैट मैंने अपने मोबाइल में ओपन किया है, यहाँ पे मैं पीसी में ऑन करता हूँ, उसमें भी वही चीज़ आपको मिलेंगी जो मेरे फ़ोन में है। ये देखिए, ये वही चीज़ें हैं जो मेरे पीसी पर शो हो रही हैं। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे तीन बटन है यहाँ पे ऑप्शन के, इसमें लॉग आउट का ऑप्शन है, इसको ओके कर देंगे। इस तरह से आप कोई और भी व्हाट्सएप इसमें ऑन कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कीजिएगा। किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।